हाय फ्रेंड्स, आज हम आपको ग्रेड 5 एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के रिजल्ट्स दिखाएंगे। इनका हमने हेयर ट्रांसप्लांट 1.5 साल पहले किया था और ये ग्रेड 5 बाल्डनेस थी इनको, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। और 1.5 साल के बाद यानी कि 18 महीनों के बाद आज इनके रिजल्ट्स हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये डेंसिटी इनकी हमें मिली है पूरे 1.5 साल बाद। यहां से लेके ये पूरा एरिया हमने कवर किया था, ये पूरा। और आप देख सकते हैं कि हेयरलाइन इनका बिल्कुल नेचुरल लुक है, कोई बम्प्स नहीं है हेयरलाइन पे। और रिजल्ट से ये बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं अपने। और आपको मैं डोनर एरिया का भी लुक दिखा देता हूं इनका, जहां से हमने ग्राफ्ट को निकाला था। ध्रुव पीछे हुए, ये देखिए, यहां से हमने पीछे से ही निकाले थे इनके ग्राफ्ट। और पीछे की डेंसिटी आप देखेंगे, डोनर एरिया बिल्कुल इंटेक्ट है और डैमेज नहीं किया है डोनर एरिया को। और बिल्कुल इनका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा है और ये अपने रिजल्ट से भी पूरी तरह से संतुष्ट हैं। अब इनसे हम जानेंगे कि इनको कोई तकलीफ या कोई साइड इफेक्ट वगैरह तो नहीं हुए। तो हाँ ध्रुव, हमारे जो भी दर्शक हैं उनको बताइए कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट FUE करवाया था आपने, तो इसमें आपका अनुभव कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। मैं अपने रिजल्ट से बहुत सेटिस्फाइड हूँ, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट उससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। बहुत ही अच्छी हेयर ग्रोथ आई है, तो मैं इससे फुली एग्री करता हूँ। आप रिकमेंड भी करता हूँ कि आप डर्मा वेव से ही हेयर ट्रांसप्लांट कराइए। थैंक यू। तो दर्शकों, आपने देखा कि ग्रेड 5 एंडोजेनेटिक एलोपेशिया में आप इतने गंजे होने के बाद भी ऐसा रिजल्ट पा सकते हैं। तो किसी भी फ्रेंड को अगर कोई बाल्डनेस है तो वो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जा सकते हैं और एक्सपर्ट हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन से ही आप हेयर ट्रांसप्लांट को करवाइए। थैंक यू।